नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर आज हम एक नया सीरीज़ शुरू कर रहे हैं साइंस एंड टेक न्यूज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने नए अपडेट्स आ रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे वैसे कोई इन डिटेल नॉलेज की जरूरत तो नहीं है साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्योंकि जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एकदम बेसिक क्वेश्चन आता है फॉर एग्जाम्पल UPC में ऐसे पूछेंगे व्हाट इज लुमिनोल तो बस आपको नए नए अपडेट्स के बारे में बेसिक आइडिया होनी चाहिए वो हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे राइट वैसे सीरीज में डेली अपलोड नहीं करूंगा क्योंकि साइंस एंड टेक्स रिलेट से रिलेटेड जो अपडेट्स है वो डेली तो आते नहीं है इसलिए जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं वो कंपेल करके आपको मैं बताऊंगा हफ्ते में दो या तीन बार राइट तो शुरुआत करते हैं। तो टोटल तो 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 नाइन अपडेट्स है जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहला मिस्टीरियस ओ आरसीपेस रिवीलिंग वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप सबसे पहले ओ आरसी का मतलब क्या होता है ओड रेडियो सर्कल्स ये बेसिकली वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट एट रेडियो वेवल्स अब देखिए देखिये अनएक्सप्लेट्रोनोमिकल ऑब्जेक्ट लिखा है वैसे दोस्तों इतने सारे एस्ट्रोनोमिकल ऑब्जेक्ट्स का आइडेंटिफिकेशन डेली बेसिस में होते रहते हैं जिनके बारे में ठीक से पढ़ाई हो भी नहीं पाते क्योंकि ये इतना दूर रहता है लाइट ये दूरी पर रहता है ठीक है कि नहीं तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया नेशनल साइंस एजेंसी सी एस आई आर ओ ने आस्का रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके एक ओड रेडियो सर्कल का आइडेंटिफिकेशन किया है ठीक है कोई नाम नहीं दिया है वैसे बस आप ऑड रेडियो सर्कल ध्यान दीजिएगा राइट अब देखिए दीस आर एट रेडियो वेबलिंग Highly circular, brighter along its edges. Itna लिखा है दोस्तों रेडियो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विदेस्ट वेवल इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेडियो का जो वेवलैंक है वो सबसे लॉन्गेस्ट है फ्रीक्वेंसी कितना है थ्री हंड्रेड जिगाग एंड बिलो येगा बस मैंने आपको एक अडिशन इंफॉर्मेशन बता दिया वैसे आस ऑफ ट्वेंटी सेवन अप्रेल टू थाउजेंड ट्वेंटी ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व तो देखिए और रेडियो सर्कल्स 2021 में पांच बार आइडेंटिफाई किया था अब अभी जो हुआ है ये है है राइट अगला साइंटिस्ट डेवलप न्यू एंजाइम टू बीट प्लास्टिक वेस्ट देखिए आप सबको पता है प्लास्टिक वेस्ट जो है जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है पर पोली एथलिन प्लास्टिक जिसे पीटी प्लास्टिक बोलते हैं उसे डिकम्पोज करने का या फिर ब्रेकडाउन करने का एक नया एंजाइम का इन्वेंशन हुआ है जिसका नाम है टी पी ए डी ओ तो ध्यान दीजिएगा दिस इज एन एनजाइन कॉल्ड टी पी ए डी ओ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज टी पी ए डी ओ रीजनली सीन इन न्यूज ठीक है ध्यान दीजिएगा अब देखिए ये जो पोली एथिलीन टरफ्तालेट है ये ऐसा प्लास्टिक है जिसे सिंगल यूज ड्रिंक्स बॉटल्स में क्लॉथिंग्स में कारपेट्स में यूज होता है वैसे आपको पता होनी चाहिए मोर देन फोर हंड्रेड मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस ईच ईयर चार सौ मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हर साल प्रोड्यूस होता है तो टीपीएडीओ करके जो एनजेम्स है यह इसे कम करने में मदद करेंगे हमें राइट अगला है साइंटिस्ट डिस्कवर हाउ मॉलिक्यूल फ्रॉम डीप सी माइक्रोब बिकम्स पोर्टेंट एंटी कैंसर वेपन इधर भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है डीप सी में रहने वाला एक माइक्रोब से ऐसे एक मोलिक्यूल निकाल सकता है जो कैंसर के अगेंस्ट यूज कर सकता है ठीक है तो ईयस ऑफ टॉयल इन द लेबोरेटरी हाउ रिवील हाउ ए मरीन बैक्टीरियम मेक्स ए पोटेंट एंटी कैंसर ये बेसिकली एक मरीन बैक्टीरियम है जिसे एक एंटी कैंसर मोलिक्यूल प्रोड्यूस हो सकता है ठीक है तो देखिए नाम एंटी कैंसर मोलिक्यूल सालिनोस्पोराम ऑल्सो कोल्ड मरीजोम ये बेसिकली ग्लियोब्लास्टोमा करके एक ब्रेन कैंसर के अगेंस्ट यूज हो सकता है तो कौन कौन सा टर्म है आपके लिए इंपॉर्टेंट सालिनोसपोरामेड ये इसे मरीजोम भी बोलते हैं और ग्लियोब्लास्टोमा क्या है टाइप ऑफ ब्रेन कैंसर है अगला है न्यू थेरापी कुड स्टॉप टी सेल्स फ्रॉम अटैकिंग ब्रेन सेल्स इन डिसीज़। देखिए सबसे पहले मतलब क्या हैिफिकल्टी विथ वॉकिंग बैलेंस कॉर्डिनेशन वगैरह होता है बेसिकली दोस्तों जिन्हें पार्किस डिसीज एफेक्ट होता है उन्हें चलने में अपना बैलेंस बनाकर रखने में कॉर्डिनेशन एक्टिविटीज में दिक्कत आते हैं ठीक है तो साइंटिस्ट अभी पार्किंसन्स डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए कुछ नया आइडिया निकाला है वैसे जो पार्किंसन्स डिसीज तब प्रोग्रेस होता है जब हमारे ब्रेन में डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स मरते हैं तो डोपामाइन करके जो टेम है ये ध्यान दीजिएगा दिस कैन बी रिलेटेड टू पार्किंसन्स डिसीज तो अभी तक साइंटिस्ट ये डोपोमेन प्रोड्यूसिंग न्यूरोन्स क्यों मरते हैं उसके बारे में पता नहीं कर पाया था अब ये पता चला है इट कंटेन्स क्लम्स ऑफ ए डैमेज प्रोटीन कोल अल्फा साइनुक्लिन अल्फा साइनुक्लिन करके एक प्रोटीन की वजह से या फिर अल्फा साइनुक्लिन करके एक प्रोटीन की एक्टिविटी की वजह से ये जो डोपोमेन प्रोड्यूसिंग न्यूरोन से ये मरते हैं बस आप इतना ही समझ लीजिएगा ज्यादा इन डिटेल नॉलेज तो मुझे भी नहीं है क्योंकि ये मेडिकल साइंस है ठीक है तो कुछ टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है डोपोमेन अल्फा साइनुक्लिन जो कि एक प्रोटीन है और पार्किस डिजीज क्या है ये तो आपको पहले से पता ही होगा अगला है साइंटिस्ट बिगिन आइल ऑफ मैन मरीन कार्बन स्टोर्स ड्रोन रिसर्च तो देखिए सबसे पहले आइल ऑफ मैन कहां पे है आइल ऑफ मैन इज एन आइलैंड नेशन एंड सेल्फ गवर्निंग ब्रिटिश क्राउन डिपेंडेंसी इन द आयरिश सी बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड तो देखिए ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के बीच में जो आयरिश सी है उधर एक आइलैंड नेशन है आइल ऑफ मैन ये आइलैंड नेशन इज अंडर ब्रिटिश क्राउन डिपेंडेंसी ये भी आप समझ लीजिएगा तो उधर एक

न रीच लेंथ ऑफ थ्री फीट दे आर ऑलवेज कंप्लीटली समर्स मतलब पूरा पानी के अंदर रहता है इनकी जो रूट है जिसे राइजोम्स बोलते हैं एंकर द ग्रास टू सैंडी और मडी बॉटम्स तो आपको बेसिकली सैंडी और मडी बॉटम्स में ईलग्रास देखने को मिलेगा और ईलग्रास जो है कार्बन स्टोर कर सकता है ध्यान दीजिएगा ईलग्रास अगला है नास लेटेस्ट मार्स क्राफ्ट नियर्स लैंडिंग फॉर अनप्रेजिडेंटेड सीस्मिक मिशन इधर बेसिकली नासा का एक मिशन के बारे में बताया हुआ है जिसमें एक मार्स क्राफ्ट यूज किया जा रहा है जिसका नाम है इनसाइट ठीक है इनसे टोटल 24 फोर मंथ्स दैट इज अबाउट वन मार्शियन ईयर स्पेंड करेंगे मार्स में एंड ये मार्स कैसे फॉर्म हो इसके बारे में स्टडी करेंगे ऑरिजिन ऑफ अर्थ एंड अदर रोकी प्लानट्स के बारे में स्टडी करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इन और वन मार्शियन ईयर मतलब हमारा ट्वेंटी फोर से है भी आप ध्यान दीजिएगा वैसे वन मार्शिन ईयर मतलब प्रॉपर 24 फोर मंथस नहीं है इट इज 22.6 टू पॉइंट सिक्स मंथ ठीक है इधर लिखा है अबाउट वन मार्शिन ईयर इसलिए मैंने ये कन्फर्म किया अगला है नासा साइंटिस्ट फाइन आउट ऑफ बाउंड्री ऑफ सोलर सिस्टम कॉल इट हाइड्रोजन वॉल वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नासा साइंटिस्ट ये बोल रहा है हमारा जो सोलर सिस्टम है ना इसका एक बाउंड्री है जो हमारा सोलर सिस्टम को रेस्ट ऑफ द स्पेस से अलग करते हैं और इस बाउंड्री का नाम दिया है हाइड्रोजन वॉल्व एंड नासा रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन डाटा न्यू हरिजोन स्पेस क्राफ्ट आप देखिए नासा अलग अलग स्पेस क्राफ्ट बेचते रहते हैं अलग अलग चीजों के बारे में स्टडी करने के लिए तो नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है न्यू होरिजोन स्पेस क्राफ्ट ये स्पेस क्राफ्ट ने यह डाटा प्रोवाइड किया है मतलब हमारा सोलार सिस्टम का एक बाउंड्री है जो सोलर सिस्टम को रेस्ट ऑफ द स्पेस से अलग करता है और नासा साइंटिस्ट ने इस बाउंड्री का नाम दिया है हाइड्रोजन वन वैसे आपको पता होना चाहिए दोस्तों हमारा जो सन है इट थ्रोस आउट जेट्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सोलर सोलर विंड्स विंड्स बेसिकली हमारा सन से ओरिजिनेट होता है और ये सोलर विंड्स का जो इंपैक्ट है ये आठ प्लान के बाद प्लूटो तक रहता है इनफैक्ट प्लूटो के बाद भी रहता है वैसे प्लूटो एक प्लान नहीं है पहले प्लानट था अब इसे आप एक डॉफ प्लान बोल सकते हो पहले साइंटिस्ट ये सोचते थे ये जो सोलर विंड का इंपैक्ट है या फिर सन से जो मैटर एंड एनर्जी रिलीज होता है उसका इंपैक्ट प्लूटो के बाद कोई और एक गैलेक्टिक एनर्जी के साथ मिलते करके। पर अब नासा साइंटिस्ट को पता चला निकलते हैं है, नाम दिया है हाइड्रोजन वार्ड समझ गए तो ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन वार्ड एंड न्यू होरिजोन स्पेसक्राफ्ट अगला है लुमिनोल ए कॉम्बोन्ड यूज इन क्राइम सीन में कॉम्बैट मलेरिया सबसे पहले आपको लुमिनोल क्या है यह समझना पड़ेगा देखिए जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स है ना ये लुमिनॉल को ट्रेस अमाउंट्स ऑफ ब्लड डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि देखिए द कॉम्बोन्ड को लुमिनोल ग्लॉस ब्लू वेन इट एनकाउंटर्स द हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स तो जहां भी ब्लड स्टेन डिटेक्ट करने के लिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स क्या करते हैं उधर ये लुमिनॉल डाल देते हैं अगर उधर ब्लड है तो वो जो ब्लड का कलर ब्लू हो जाएगा जब लुमिनॉल के साथ मिक्स होते हैं तो बेसिकली क्राइम सीन्स में ब्लड डिटेक्ट करने के लिए फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स लुमिनोल यूज करते थे अब एक नया डिस्कवरी आया है कि जो कॉम्पोन्ड लुमिनॉल है जो क्राइम सीन्स में यूज करते थे दैट कैन किल द मलेरिया पैरासाइट प्लास्मोडियम फैलसीपारम प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स देखिए लुमिनॉल यूज करने से मलेरिया पैरासिट प्लास्मोडियम फैलसी पैरम का डेथ हो सकता है ठीक है तो ध्यान दीजिएगा लुमिनॉल के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ठीक है इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जामिनेशन में वैसे मलेरिया पैरासिट के बारे में तो आपको पता ही होगा प्लास्मोडियम फैलसी पैरम फाइनली मुराबेफलोस इन हरियाणा आर द न्यू कैश कौस ये बेसिकली मुरा मुराबेफलोस के बारे में हो सकता है आप लोग सुना होगा मैं तो पहली बार सुन रहा हूं मुरा बेफलोस के बारे में इनका जो मील कील्ड है ना दोस्तों दूसरे बेफलो से काफी अच्छा है और हरियाणा का जो डेयरी फार्म है उनको बहुत फायदा मिला मुरा बफलों से आजकल पंजाब बिहार वेस्ट बंगाल इवन साउथ इंडियन स्टेट्स में भी मुराबलो मुरा से फायदा हो रहा है ठीक है आप देखिए इधर कुछ पॉइंट है बफलोज के बारे में इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क ग्लोबली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क जो है इंडिया है बात आपको पता होगा इंडिया में टोटल 108 मिलियन बफलोज है और 200 मिलियन काउज है और 200 मिलियन काउस जितना मिल्क प्रोड्यूस करता है ना उससे ज्यादा मिलियन करते हैं दोस्तों क्योंकि का जो है वो ज्यादा रहता है अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है इंडिया इज होम टू 57 सेवन परसेंट ऑफ वन मिलियन बफलोस ग्लोबली दुनिया में टोटल वन हंड्रेड एंड एटी वन इंडिया में है देखिए लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में बफलो इज द एनिमल जिसका नंबर इंक्रीज हुआ है से हुआ था ये 2007 एंड 2012 के बीच का डाटा है अब देखिए इंडिया स्टॉप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट क्या है बसमती राइस नहीं है मीट है एटी ऑफ दिस इज बफलो मीट ठीक है पहले बसमती राइस था इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर अभी है मीट है ध्यान दीजिएगा एंड बफलो मीट एक्सपोर्ट ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड क्रोर मार्क दो हजार तेरह चौदह की बात कर रहा हूं मैं तब बफलो मीट का एक्सपोर्ट जो है ट्वेंटी किया था देखिए ये जितना डाटा मैं आपको अभी बोल रहा हूं ये थोड़ा सा पुराना डाटा है फिर भी कुछ डाटा जो है बहुत ही रेलोवेंट है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ठीक है एंड मिल्क प्रोटीन बीटा केसिन टाइप ए टू फ्रॉम बुबालिस 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 मतलब इंडियन बफलो का साइंटिफिक नाम है ये आजकल बहुत स्टोर जो वेस्टर्न का इनसे प्रिफरेबल है मतलब इंडियन बफलों में जो मिल्क प्रोटीन से, A2, है बीटा कैसिन टाइप ए टू यह ज्यादा प्रेफरेबल है वेस्टर्न काउस का जो प्रोटीन से एंड बफलो 10 से 15 लैक्टेशन सीजन तक प्रोडक्टिव रहता है काउस जस्ट थ्री सीजन तक प्रोडक्टिव रहता है ठीक है एंड ए ग्रोइंग नंबर ऑफ हरियाणा फार्मर्स आर रेसिंग चैम्पियन ब्रीडिंग बुल्स ए सिंगल एजैकुलशन फ्रॉम ए प्राइस एनिमल रिटर्न फ्रॉम 1.8 लाख टू 6 लाख देखिए ब्रीडिंग के लिए जो पैसे लेते हैं ना मतलब टॉप ब्रीडिंग जो बुल्स रहते हैं उनके साथ ब्रीडिंग करवाने के लिए लोग आते हैं तो इसका पैसे भी देते हैं तो आजकल ये 1.8 लाख से 6 लाख तक है ये बोल रहा है दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एस अब देखिए एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा ये जो डाटा मैंने बोला थोड़ा सा पुराना डाटा है पांच छह साल पर कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लेटेस्ट डाटा से थोड़ा सा कंपेयर कीजिएगा ठीक है तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है मुराब बफुल्लोस ये लेटेस्ट आया है मुराब बफुल्लोस मुरा ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं मुरा इसे टाइप ऑफ वाट बो गो चीप एनीथिंग राइट तो दोस्तों दैट्स इट आज के लिए इतना ही है आई होप आपको समझ में आया होगा सारे न्यूज़ के बारे में वैसे मैंने ज़्यादा इन डिटेल नहीं बताया मुझे मालूम भी नहीं है इतना इन डिटेल बताना क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है इतना ज़्यादा इन डिटेल नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ ठीक है बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए तो लक्ष्य की पी डी एफ एज सुशल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा ये सीरीज़ आपको कैसा लगा समझ में आ रहा है कि नहीं ये सीरीज में कंटिन्यू करूँ या नहीं सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई बाई है नइट डे